आज का हमारा एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और टॉपिक का नाम है मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। देखिए भारत में 12वीं शताब्दी के लगभग बहुत से जो संप्रदाय थे, सूफी संप्रदाय थे, वो 12वीं शताब्दी से भारत आने शुरू हो गए। उनमें से जो सब प्रमुख है वो चिश्ती संप्रदाय है और इस संप्रदाय की जो भारत में स्थापना की है, जो भारत में संस्थापक है, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। जबकि भारत के बाहर इस संप्रदाय की स्थापना अब्दुल चिश्ती ने की थी। किसने की थी? अब्दुल चिश्ती ने की थी, यानी भारत के बाहर इस संप्रदाय की स्थापना अब्दुल चिश्ती ने की थी, जबकि भारत में इस संप्रदाय को लाने का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। जबकि विश्व में, यानी इसके भारत के बाहर इस संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा अब्दुल चिश्ती ने हैरात में की थी। कहाँ की थी? हैरात में की थी। और जबकि भारत में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ तराइन के द्वितीय युद्ध में, जब पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध अभियान करने मोहम्मद गोरी आया था, तब उसके साथ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे। इन्होंने अपनी गतिविधियों का केंद्र अजमेर को बनाया। इन्होंने जो अपनी गतिविधियों का केंद्र है, यानी मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी गतिविधियों का केंद्र अजमेर को बनाया था। और बाद में इनकी जो दरगाह है, जो इनकी दरगाह है वो भी कहाँ है? अजमेर में ही है। मतलब इनकी जो दरगाह है वो भी कहाँ है? अजमेर में है। ये राजस्थान में पड़ता है। अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। इनके जो विचार हैं, बड़े बड़े राजाओं ने, भारत के जो बाद के मुस्लिम राजा हैं, उन्होंने स्वीकार किया इनके विचारों को। बाद में मुस्लिम राजाओं ने स्वीकार किया और यही कारण है कि भारत में जितने भी संप्रदाय हैं, मुस्लिम संप्रदाय हैं, चाहे वो सुहरावर्दी हो, नक्शबंदी हो या कोई भी रहा हो, उनमें से सबसे ज्यादा जो भारत में डेवलप हुआ है, भारत में जो उसका विकास हुआ है, वो चिश्ती संप्रदाय है। क्योंकि इसको बड़े बड़े राजाओं के द्वारा राज्याश्रय प्राप्त हुआ है। आपके जो गुरु थे उनका नाम था उस्मान हारूनी। क्या नाम था? उस्मान हारूनी। इनके जो गुरु का नाम था, वे थे उस्मान हारूनी, इनके गुरु थे। वास्तव में जो इनकी जो दरगाह है वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में जानी जाती है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि चिश्ती संप्रदाय थोड़ा उदार संप्रदाय है। वो उदार संप्रदाय होने के कारण इसको जितना मुस्लिमों ने एक्सेप्ट किया, इसको हिंदुओं ने भी उतना ही सम्मान दिया है। और हिंदू ने जब सम्मान दिया तो इसको हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में भी जानी जाता है। यहाँ बहुत से हिंदू लोग भी अपनी दुआ अर्जी लेकर जाते हैं। सब मिलाकर हम एक बात कहना चाहेंगे कि मोइनुद्दीन शेख चिश्ती, इनकी जो दरगाह है वो अजमेर में है। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में है। और ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में जानी जाती है। और यहाँ पर उस्मान हारूनी जो नाम आया, ये कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम था। अब हम बात करते हैं, ये इनके गुरु थे, यानी मोइनुद्दीन शेख के गुरु थे। अब इनके चेले कौन थे? मोइनुद्दीन शेख चिश्ती के चेले कौन थे? इनके शिष्य कौन थे? तो बख्तियार काकी एक प्रमुख शिष्य थे इनके, और उनका नाम था क्या? बख्तियार काकी। अच्छे से समझिएगा, ये गुरु थे किसके? मोइनुद्दीन शेख चिश्ती के। कौन? उस्मान हारूनी। और ये बख्तियार काकी कौन थे? बख्तियार काकी कौन थे? बख्तियार काकी मोइनुद्दीन चिश्ती के क्या थे? शिष्य थे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? इनके क्या थे? शिष्य। आपको सब कुछ इसी बोर्ड पे ही मिल जाएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। इन्होंने अपनी गतिविधियों का केंद्र कहाँ बनाया? अजमेर में बनाया। ये जो भारत में चिश्ती संप्रदाय लाने का श्रेय तो इनको जाता है, जबकि वर्ल्ड में इसको श्रेय किसको जाता है? अब्दुल चिश्ती को। और उन्होंने संप्रदाय की स्थापना कहाँ की थी? हैरात में। इनके गुरु का नाम उस्मान हारूनी और इनके चेले का नाम बख्तियार काकी। किसके चेले? मोइनुद्दीन शेख चिश्ती के चेले का नाम
बख्तियार काकी। अब बख्तियार काकी के चेले का नाम क्या था, यह प्रश्न बनता है। बख्तियार काकी के चेले का क्या नाम था, इनके चेले का नाम था बाबा फरीद। क्या नाम था, बाबा फरीद। और बाबा फरीद के जो चेले थे उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। यानी बाबा फरीद के जो चेले थे उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। क्या था, निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया के जो प्रमुख चेले थे उनका नाम था अमीर खुसरो। यानी इनके जो चेले थे उनका नाम था अमीर खुसरो। वास्तव में देखा जाए ये गुरु शिष्य परंपरा है जिसको भारत में आगे फैलाया गया है, जो क्रमागत रूप से ये उस्मान हारूनी मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे, इनके मोइनुद्दीन चिश्ती के जो शिष्य थे उनका नाम था बख्तियार काकी, उनके जो शिष्य थे बाबा फरीद, उनके जो शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया, उनके जो शिष्य थे अमीर खुसरो, और ये सभी के सभी भारत में सल्तनत काल में थे। यानी इनकी जो गतिविधियां रही हैं, इनका जो जीवन काल रहा है वो भारत में सल्तनत काल में रहा है। और सल्तनत काल भारत में पहला इस्लामिक वंश है या पहला इस्लामिक काल है जो कि भारत में 1206 से 1526-30 आप कह सकते हैं 1526, ठीक। यानी कि भारत में 1526-30 यानी 1526 तक के पीरियड के बीच में ये भारत में सल्तनत का रहा। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ और इसके बाद भारत में सल्तनत काल खत्म हुआ। बेसिकली हम मुख्य रूप से कह सकते हैं कि इतने लोग थे। इसके बाद कालांतर में हम शेख सलीम चिश्ती की भी बात करेंगे, जो जिनकी दरगाह आपके फतेहपुर सीकरी में है, वो भी इसी संप्रदाय के हैं। लेकिन वो कहाँ पे थे, वो थे फतेहपुर सीकरी में थे और मुगल काल में थे। यानी शेख सलीम चिश्ती का जो समय है वो मुगल काल है, अकबर के समय का है। धन्यवाद।